जी, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है. मेरी वही फीलिंग्स हैं जो पूरे कंट्री के इमोशंस हैं इस टाइम पे. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर्स. दे आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग अस, एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आवर कंट्री इज डूइंग. And I really want to salute all the soldiers and the army people who are dying for us to make sure that we are safe in our country. See, I generally believe that right now it is, I just support the decision our government is making for the country. क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, this is not the time for it. A very unfortunate incident has happened in our country, and right now I'm thinking more towards the families of our soldiers than any other subject. Look, is in center, right? Well, thank you so much for all the best wishes. Dada Saab Phalke Award is a very prestigious award. Getting an award over here is something that I am very excited about. Being nominated in this category is very exciting. Pretty exciting. New things are happening, and I think this is the first time I'm being invited over here. Inshallah, I hope I keep working hard and keep coming back over here. मैं बस एक चीज़ समराइज करता हूँ. माई पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द फिल्मी वर्ल्ड. द मोमेंट आई सेड दैट आई हैव गॉट अ नॉमिनेशन फ्रॉम दादा साहब फाल्के अवार्ड, माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड. शी इज बीन हियरिंग अबाउट दिस अवार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स लाइक ओह वाओ. सो आई थिंक दैट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस अवार्ड. देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेस्टीज व्हेन इट कम्स टू दिस इवेंट, एंड सो आई थिंक रिसीविंग इट इन माई फर्स्ट फिल्म मीन्स अ लॉट टू मी. जी, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है. मेरी वही फीलिंग्स हैं जो पूरे कंट्री के इमोशंस हैं इस टाइम पे. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर्स. दे आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग अस, एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आवर कंट्री इज डूइंग. एंड आई रियली वांट टू सल्यूट ऑल द सोल्जर्स एंड द आर्मी पीपल हु आर डाइंग फॉर अस टू मेक श्योर दैट वी are safe in our country. See, I generally believe that right now it is, I just support the decision our government is making for the country. Kya hona chahiye kya nahi hona chahiye, this is not the time for it. A very unfortunate incident has happened in our country, and right now I'm thinking more towards the families of our soldiers than any other subject. जी, मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में. बट इट्स समथिंग एक्साइटिंग. आई कॉन्ट वेट फॉर द फिल्म टू बी अनाउंस्ड एंड फॉर पीपल टू नो अबाउट इट. बट वेरी सून आई शैल डू दैट. टुडे आई एम नॉट अलाउड टू डू सो. ओके, थैंक यू. देखिए, यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है. सो इनफैक्ट आई एम वेरी इसीलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी, इस इवनिंग का हिस्सा होना चाहती थी. सो आई फील वेरी गुड.
अंदर क्या होने वाला है तो फ्यूचर तो nobody can predict. So I hope it'll be a great evening. I get to clap for some brilliant people and enjoy the waltz. I think it's like you said, it's extremely prestigious and I think her actor कभी अपनी पूरी करियर में चाहे चाहता ही होगा कि उनको एक बार ये अवार्ड मिले. So yeah. कहाँ वो एक ही साथ साइन की थी सारी लास्ट ईयर. यही दैट आई गेस हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है जब जिस टाइम पे जो होना होता है आपकी लाइफ में वैसे ही होता है. सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ऑल्सो डोंट हरी इन टू थिंग्स डोंट रश इन टू थिंग्स पुट इन योर हार्ड वर्क बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क कीप वर्किंग हार्ड एंड योर डेस्टिनी विल रिवील इटसेल्फ. बहुत एक्चुअली आई वॉजेंट इन द कंट्री वेन इट हैपेंड. सो एंड जब यूजली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं तो सॉरी बट आई थिंक आई गॉट टू नो अ डे लेटर एंड इट्स आई मीन वॉट कैन आई से इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स एंड आई एम विद द गवर्नमेंट एंड आर फिल्म फ्रेटर्निटी for whatever stands they are taking. So yeah, it's very shameful. जी आप थे वहाँ पे कौन लोग. नो नो आई वॉन्ट टू आंसर दिस इट्स फाइन. वेल जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है फैंटम घोस्ट लोग हैं जो अपने स्क्रीन्स के पीछे छुप के वो सब लिखते रहते हैं. जो मैं किसी को मैं अगर आप जानते हो किसी को या आप थे मेरे साथ अगर आपने कुछ देखा मुझे ऐसा कुछ करते हुए तो मुझे बोलिए तो ऐसे क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपको. पर यह बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है. थैंक यू. एनीथिंग एल्स. थैंक यू. इंडस्ट्री के पिता रह चुके हैं दादा साहेब फाल्के और ये उनके नाम से ही बहुत बड़ा अवार्ड हो जाता है दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड. ये मुझे भी मिला था और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और रिस्पेक्टफुल अवार्ड है और सब कुछ बढ़िया है इसमें. बस दादा साहेब फाल्के को बहुत बहुत मेरी तरफ से श्रद्धांजलि प्रणाम. बहुत ही ग्रेट आदमी थे जिन्होंने इंडस्ट्री के फिल्म को जन्म दिया जिन्होंने सोचा कि फिल्म होनी चाहिए और वो द फर्स्ट वन टू मेक द फिल्म. तो उनको मेरा बहुत बहुत सलाम. उन्हीं के वजह से हम सब यहाँ हैं. I think it's a huge honor itself, so I'm very excited. I'm looking forward to a great evening. बहुत ही संवेदनशील सवाल है ये और बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारा एग्रेशन एक साथ जनरेट करता है. बात सिर्फ अटैक या सिर्फ जो हैपनिंग हुई उसकी नहीं है. वो
सी सैड दुखद ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत छोटी हो जाती है. बहुत ज़्यादा रेज पैदा करने वाला इंसिडेंट है ये, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, बट दिस वॉज आई थिंक बोलते हैं ना पानी हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है. सो इट इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स ऑल आई कैन से. आई थिंक आई रिमेम्बर जब ताज में अटैक हुआ था, हाउ आई फेल्ट एज अ चाइल्ड, एंड टुडे आई थिंक इट्स अभी भी घूस बम्स आ जाते हैं. सो आई जस्ट रियली विश एन अपील कि हम एज इंडिविजुअल ज़रूर कुछ करें. बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ऑनलाइन पॉसिबल है टू हेल्प एंड सपोर्ट एवरी वन. ये पर्पज सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन प्रॉब्ली जस्ट अपील टू द गवर्नमेंट टू रियली डू समथिंग अबाउट इट. सी जब आप आर्टिस्ट एंड एक्टर्स की बात करते हैं, जब आप टेररिज्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये बहुत ही सेपरेट चीज़ें हैं. लेकिन ऑब्वियसली लाइंस ऐसे टाइम पे ब्लर इसलिए हो जाती हैं कभी कभी, बस एज इंडिविजुअल्स हर चीज़ को आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ऐसे टाइम पे बहुत सेंसिबल रहना भी डिफ़िकल्ट है. सो आई थिंक ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव एग्रेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ रहा है, बिकॉज आई बिलीव ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में ही सारे जितने हैं या जितने मुस्लिम्स हैं फॉर दैट मैटर वो टेररिस्ट हैं. दैट्स नॉट द केस, बट बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है, सम और द अदर वे इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स, बट इट्स सैड.